हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन करने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ छाड़ के नहीं देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 को काफ़ी आसानी वे में बनाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आपको जल्द से जल्द वो मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब कि हमको इस तीनों का एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन नंबर में पहला जो क्वेश्चन है उसमें तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका कहता है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है किसके मदद से? एल्गोरिथम की मदद से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसके मदद से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। फ्रेंड, अगले वीडियो में हम बताएं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके एचसीएफ को कैसे बनाया जाता है, काफ़ी डिटेल में वीडियो बताया गया है, और उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि ताकि आपको एचसीएफ बनाना और आसान हो जाए। तो फ्रेंड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को अपना एचसीएफ ज्ञात करना है किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमको पहला क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या है कंडीशन। ये देखिए, ये छोटा संख्या है, ये बड़ा संख्या है, तो इसका कंडीशन पहले हम लगा देते हैं हल। पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे एचसीएफ किसका निकालना है? 135 और 225 का बराबर वाट हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। इस दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे जहाँ, गौर से देखता रहिए कैसे बनाते हैं इसको, लिखेंगे जहाँ ये क्या है 135 जो है वो क्या है, छोटा है 225 से। यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन किसके मदद से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। तो यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसकी मदद से हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ ज्ञात करने क्या करता है? पहले छोटा संख्या को यहाँ लिखेंगे, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, छोटा संख्या को यहाँ लिखेंगे और बड़ा संख्या को बीच में लिखेंगे। अब हमको क्या करना है? सिंपल इसको भाग कर देना है। भाग करना है तो यहाँ पे क्या दो दफे में लगाइएगा तो नहीं लगेगा, एक दफे में यहाँ पे लगाइएगा। एक दफे में लगाएंगे तो 135 का 135 उतार देंगे। इसको क्या करना है? इसको घटा देना है। इसमें से अगर 5 में से 5 गया तो 0, इसमें से खासी रहती है यहाँ पे 9, ये बच गया कंस, ये कैंसिल। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे 90 और ये छोटा, ये बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या, क्योंकि हमको एचसीएफ कहता है कि एचसीएफ में हमको सिर्फ आर जीरो करना है। जब तक आर जीरो नहीं आता है तब तक हम इसको हल करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। अब यहाँ पे तोड़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पॉइंट बैठा के हम यहाँ पे जीरो बैठा के इसको तोड़ेंगे, इस तरीके से नहीं तोड़ा जाता है। इसको कुछ अलग तरीके से तोड़ना है, जैसे देखिए कैसे तोड़ना है। ये इसको क्या मानना है? पहले यहाँ पे तो आर तो जीरो आया नहीं, तो यहाँ पे पहले कंडीशन लिख देना। पहला क्लास में पहले बता चुका हूँ पर कंडीशन क्या लिखना है पहले क्लास में, अभी ये बता देता हूँ। पी एक्स बराबर, यहाँ पे कंडीशन लिख देना है जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, क्योंकि यहाँ पे आर एक्स इसलिए लिखना है, यहाँ पे आर एक्स लिखना है, ये तो क्या हुआ इसका मैटर हुआ। अगर यहाँ पे पी एक्स बराबर अगर जी एक्स को और क्यू एक्स को और आर एक्स को जोड़ दिया जाए तो फिर ये आ जाएगा मेरा, ये कंडीशन लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे आर तो जीरो हुआ नहीं, यहाँ पे लिख देंगे आर एक्स, चूंकि आर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, आर एक्स जीरो हुआ नहीं। अब आर एक्स जीरो क्या हुआ, अब क्या करेंगे कि ये आर एक्स को हम जी एक्स मान लेंगे, और यहाँ पे जो जी एक्स है इसको क्या मान लेंगे? पी एक्स मान लेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। फिर हल करने के बाद कितना है? एक से लग 90 दुना से लगेगा, एक से लगाएंगे, एक से लगाने के बाद क्या है 90 लिखेंगे। 90 लिखने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। इसको घटाने के बाद देखिए क्या आता है, इसमें से घटा तो 5 और 13 में से किया तो कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आर एक्स तो जीरो हुआ नहीं, फिर यहाँ पे आर एक्स जीरो हुआ, यहाँ पे क्या कंडीशन लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स, ये रूल सब में लिखना है, पी एक्स बराबर जी एक्स अगुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर एक्स तो जीरो नहीं हुआ तो नॉट इक्वल टू जीरो, हमको आर एक्स को जीरो करना, आर एक्स जीरो हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू जीरो। और जब आर एक्स जीरो, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इस आर एक्स को हम जी एक्स मानेंगे और इस जी एक्स को हम क्या मानेंगे? पी एक्स मानेंगे। तो चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पे आइए, तो आर एक्स को हम पहले क्या मानेंगे? जी एक्स मानेंगे, फिर यहाँ पे
और यहाँ पे जी एक्स को हमको पी एक्स मान लेना है, तो यहाँ कितना आ गया 90 है, या 90 लिख लेना। अब यहाँ पे 45 गुना 90 दूसरे लगाएंगे, दूसरे लगाने के बाद यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये तो कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए आर एक्स जीरो आ गया, जब यहाँ पे आर एक्स जीरो आ गया तो अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स लिख दें, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे आर एक्स इजिकल टू जीरो, क्योंकि अब तो जीरो हो गया ना, अब तो जीरो लिखेंगे। जब जीरो हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एच सी एफ। अब इसलिए एस सी एफ जो होगा यहाँ पे जो जी एक्स में लिखेगा ना भाई, मेरा क्या हो जाएगा एस सी एफ होगा, तो एस सी एफ इसका क्या होगा 45। इसी तरीके से हम एस सी एफ को हल करेंगे। तो पहले वीडियो में मैं इसी तरीके से बताया और इस वीडियो में भी इसी तरीके से बताया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई फ्रेंड देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। दूसरा हम क्वेश्चन कहते हैं 96 और 38,200 को 220 को हमको एस सी एफ ज्ञात करना है। तो फ्रेंड इसका भी एस सी एफ सेम क्वेश्चन ज्ञात करेंगे, जैसे पहला में एस सी एफ ज्ञात किया पहले इसमें दूसरा में दूसरा का भी एस सी एफ वैसे ही ज्ञात करना है। एस सी एफ सेम ज्ञात करना है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, बस सेम तरीका से एस सी एफ ज्ञात करना है। खाली भाग करने का तरीका अलग अलग है, जिसमें जितना से लगाएंगे उसी से लगाने के बाद उतना ही से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले आप लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे देख एस सी एफ एच सी एफ 96 × 28,220 इक्वल टू वाट, मतलब हमको एस सी एफ ज्ञात करना है, मतलब इस दोनों का एस सी एफ ज्ञात करना है। जहाँ अब यहाँ पे कौन किससे बड़ा, जहाँ 196 छोटा है किससे, 38,220 से। अब यहाँ पे किसके मदद से हमको ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमको एस सी एफ ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करना है हमको एस सी एफ ज्ञात करना है। प्रयोग से हमको क्या करना है एस सी एफ ज्ञात करना है। तो फिर सिंपल क्या करेंगे, इस छोटे संख्या को हम जी एक्स मानेंगे और बड़े संख्या को हम पी एक्स मानेंगे, ये मान लिए। अब यहाँ पे जिसका हल करना है, इसका हल आप गुना करके देखिएगा तो 195 से ये पूरा कट जाएगा, 195 से लगाइएगा तो ये पूरा कट जाएगा, 195 से अगर 196 195 से लगाइएगा ये पूरा कट जाएगा, और ये एक ही बार में पूरा जीरो आ जाएगा। यहाँ देखिए पूरा एक ही बार में ये जीरो आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये आर जीरो आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। चूँकि यहाँ पे आर एक्स क्या है, आर एक्स बराबर जीरो हो गया, जब आर एक्स जीरो हो गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एस सी एफ, इसीलिए एक्स सी एफ बराबर क्या निकल गया मेरा 196। इसका एस सी एफ इतना ही निकला, और इसी का इस तरीके से बनाना है। इसको आप चाहें तो एक बार 9 बार 5 बार ऐसे करके लगा सकते हैं, ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है, इसी तरीके से बनाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया था। तीसरा क्वेश्चन नंबर पहले हमको दिया है 867 और 255 का हमको एस सी एफ ज्ञात करना है। तो पहले एस सी एफ ज्ञात करना सेम टू सेम तरीका, पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे कि एच सी एफ को देखना है इतना 867 और 255 बराबर बात कर देंगे, जैसे सेम करते वैसे करेंगे। अब फिर हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कौन किससे बड़ा है, तो 867 जो है वो बड़ा है किससे, 255 से। आप किसके मदद से हमको एस सी एफ ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के सब में ये चीज़ लिखना ही पड़ेगा, ये लिखना अनिवार्य है, ये नहीं लिखिए तो फिर समझेगा नहीं क्या चीज़ है। अगर ऐसे बनाते तो आपका नंबर कट जाएगा बोर्ड में, इसलिए आपको ये लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स सी एफ ज्ञात करना है, इस एस सी एफ को निकालना है। एस सी एफ ज्ञात करने क्या करेंगे, हम छोटा संख्या को क्या मानते हैं जी एक्स मानेंगे, तो छोटा संख्या को हम क्या मानेंगे जी एक्स, जी एक्स कितना है 255 है, तो 255 हमको पी एक्स क्या मानेंगे बड़े संख्या को, तो इतना को मान लिया 867 को। अब यहाँ पर देखिए अगर चार दफे लगाए तो लगेगा नहीं, तीन दफे लगाइए तो ये पूरा लग जाएगा, गुना करके देख लीजिए, तीन दफे लगाए तो 3×15 × 16 = 765 आ जाएगा, 765 आएगा। इसको हम घटा देंगे, घटाने के बाद क्या करेंगे, 2 यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। अब तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये तो छोटा हो गया इससे, अब ये तो आर एक्स जीरो नहीं हुआ, अब जब आर एक्स जीरो ना तो फिर हम क्या कंडीशन वहाँ पे लिख देंगे, जैसे लिखते हैं तो कंडीशन लिखते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। चूँकि
आर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, आर एक्स तो जीरो नहीं ना हुआ, जब आर एक्स जीरो नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, इस आर एक्स को हम जी एक्स मानेंगे और इस जी एक्स को हम क्या मानेंगे, पी एक्स मान लेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब भाग करते दो दफे में लगा देते, जब दो दफे में लगाइएगा तो 204 आएगा, सॉरी 200 कितना आ जाएगा, हाँ 204 आ जाएगा। अब 204 आएगा, इससे 5 गया ये एक, ये बचा कितना, ये सॉरी 5 में 4 गया एक, ये बचा 5, ये तो कैंसिल बच गया। फिर यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे तो आर एक्स जीरो हुआ नहीं, तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या लिख देंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब आर एक्स चूंकि आर एक्स तो जीरो नहीं ना हुआ, यहाँ पर लिखेंगे आर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जब आर एक्स जीरो हुआ नहीं तो अब फिर हम क्या करेंगे, इस आर एक्स को क्या मानेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं इस आर एक्स को क्या मानेंगे, इस आर एक्स को हम मानेंगे जी एक्स, आर एक्स कितना 51 और जी एक्स कितना 102। अब 102 का कितना दफे, दो दफे लगाइए तो लग जाएगा, तो दो दफे में लगाइएगा तो 102 आ जाएगा। अब ये तो कट गया पूरा, ये तो जीरो हो गया, अब आर एक्स जीरो हो गया, तो फिर यहाँ पर कंडीशन में क्या लिख देंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने गुने क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, यहाँ पे आर एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर एक्स बराबर तो जीरो हो गया, जब आर एक्स बराबर जीरो हो गया तो एच सी एफ, इसीलिए एच सी एफ हमारा क्या निकल गया, हमारा एच सी एफ निकल जाएगा जो यहाँ पे जी एक्स लगा, हमारा एच सी एफ कितना निकल गया 51। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हल। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था एक्सरसाइज 1.1 में वो था 3 क्वेश्चन जिसका एच सी एफ निकालना था, तो इसका एच सी एफ हम निकाल चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो हम उसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद आपको समझा देते हैं कि कैसे प्रूफ करिएगा, उसी मेथड से आप एग्जाम में प्रूफ कीजिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ जो ये क्यों है, ये क्यों क्या है, कोई पूर्णांक है, क्या कहते हैं हमको, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है हमको, दर्शाइए कि धनात्मक जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इसके रूप का होता है, किसके, 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, हमको ये दर्शाना है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इसको हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमको कुछ मेथड की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये दो नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है कि दो नंबर में पूछा जाता है कि इसको दर्शाइए, तो बस इसको हम क्या करें, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ है उसको, ये इसके रूप पे होता है, किसका रूप है, मतलब कि 6+1 और 6+3 या 6+5 के रूप का होता है, जहाँ ये क्या है, क्यों है, पूर्णांक है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। फ्रेंड देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल। इस हल को जैसे हम प्रूफ किए हैं आप लोग भी वैसे ही प्रूफ कीजिएगा, इसमें कोई चेंजिंग मत लाइएगा, अगर चेंजिंग लाते हैं तो आपकी गलती है। इस तरीके से अगर आप बोर्ड मार्क लिखते हैं तो आपको पूरी की पूरी नंबर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं, इसको बनाना कैसे, यहाँ पर कुछ स्टेप छोड़ते हैं, स्टेप को कैसे हैंडल करना है, चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले हम लिखेंगे हल, माना कि पहले हमको मान लेना है कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, बी बराबर 6 लेंगे, बी बराबर 6। अब 6 क्यों लेंगे, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि बी बराबर 6 इसलिए मानते हैं, बी बराबर 6 इसलिए मानते हैं कि दी गई संख्याओं का जो रूप है ना वो किस टाइप का है, 6q+1 है, 6q+2 है और 6q+5 है, 5 ही थक, इसलिए हम 6 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसका कारण यहाँ दे देंगे। कारण अगर एग्जाम में नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये स्टेप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने के लिए आपको लिख दिए हैं। अब यहाँ लिखिए, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, अब यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से बोलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है, एक विषम संख्या है, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है और ए एक पूर्णांक संख्या है और बी क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ लिखेंगे जीरो, जीरो से आर, मतलब कि लगभग जीरो कितना, आर आर का जो मान है जीरो होना चाहिए पर जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 6 से आर का मान छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये है यहाँ पे आर का मान कितना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ही तक लेंगे ना, क्योंकि यहाँ 6 से छोटा है। अब यहाँ पे जीरो ले सकते हैं आर का मान, मतलब यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ पे जीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पे मान रखेंगे जब, यहाँ देखिए जब आर का मान, यहाँ पे हम आर का मान जीरो रखते हैं तो इसकी मदद से यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर का मान हम जीरो रखते हैं तो बी का मान हम क्या माने हैं 6, तो बी ले लेंगे 6 और क्यों क्यों का ज्यों का क्यों, आर जब जीरो लिए आर बराबर जीरो लिए तो आर तो जीरो हो गए, तो ये तो जीरो खत्म, आगे तो कुछ लिखना नहीं। जब हम r बराबर 1 लेते हैं, यहाँ देखते रहिए गौर से,
जब आर बराबर हम यहाँ वन लेते हैं तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, ए बराबर सिक्स, बी का मान सिक्स क्यों, प्लस आर की जगह पे वन आ जाएगा। इसी तरीके से जब आर बराबर टू लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस टू, थ्री लेते हैं आर बराबर थ्री तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस थ्री। और जब आर बराबर फोर लेते हैं तो इसी तरीके से ए बराबर सिक्स क्यू प्लस फोर। हम बी का मान सिक्स से लेंगे क्योंकि बी का मान सिक्स से मान है और क्यू का मान हमको क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या के हिसाब से मान लिखेंगे। और यहाँ पे आर बराबर हम जब यहाँ फाइव लेते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस फाइव। अब आर बराबर सिक्स क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे सिक्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिक्स हमको क्या बोला, छोटा होना चाहिए, इसलिए आर बराबर फाइव ही तक हमको लेना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है कि सिक्स क्यू प्लस सिक्स क्यू इंटू सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर एक सम संख्या है ना, ये तो सम संख्या, ये और ये, और ये क्या है, एक सम संख्या, सम संख्या है, चूंकि एक विषम संख्या, ये तो सम संख्या ना, यहाँ पे क्या है एक विषम संख्या, यहाँ पे हम माने हैं क्या है, यहाँ पे एक विषम संख्या, अतः ए का मान सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है विषम संख्या और ये तो सम संख्या, ये तो संभव होगा ही नहीं ना, ये तो संभव नहीं है। अतः ए का मान सिक्स क्यू और सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर संभव नहीं है, इसीलिए ए का मान सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव ही संभव है, क्योंकि ये विषम संख्या ना, हमको यहाँ पे क्या विषम संख्या के लिए पूछ रहा है, एक विषम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक विषम संख्या, जब ये एक विषम संख्या तो सम संख्या तो लेंगे नहीं, तो वह संभव नहीं है। जहाँ यहाँ देखिए जहाँ की है क्या धनात्मक पूर्णांक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और ज़्यादा उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, बस आपको ये हटाना तो हटा सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा मेथड के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, माना कि उसमें एसएफ ही बनाना है और उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो चलिए उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम सिंपल है, सिर्फ एसएफ ज्ञात करना, जैसे कि बताए हम, तो एसएफ ज्ञात करना है। तो एसएफ ज्ञात करने के लिए किसी पीरियड में, यहाँ क्या कह रहा है, किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी में आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब दोनों समूह जो है, दोनों समूह को मतलब कि एक ही समान ही संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करते हैं, मतलब कि अधिकतम संख्या। अब एक चीज़ याद रखिए यार, जब भी आपका अधिकतम संख्या कोई भी संख्या में, कोई भी क्वेश्चन में अगर अधिकतम संख्या बोले तो सीधा समझ जाइएगा यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर कोई भी बड़ी संख्या रहे, कोई बड़ी संख्या में कुछ मतलब कि लॉन्गेस्ट क्वेश्चन रहे और उसमें कोई भी संख्या में अगर अधिकतम और न्यूनतम रहे तो समझ जाइएगा अधिकतम लिखा रहेगा तो एचसीएफ ज्ञात करना है और न्यूनतम लिखा रहेगा तो एलसीएम ज्ञात करना है। जो कि हम अभी एलसीएम बारे में नहीं पढ़ा है, एलसीएम क्लास अगला मतलब कि एलसीएम के लिए अगला क्लास होगा मेरा, तो फिलहाल अभी एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ अधिकतम संख्या क्या है तो उसको हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका हमको पता है, तो हम क्या पहले यहाँ लिखेंगे जहाँ हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, एचसीएफ क्या लिखेंगे, 616 और 32 बराबर वाट, जहाँ क्या है 100 मतलब 616 जो है, 616 क्या बड़ा है किससे, 32 से। अब 32 तब किसके मदद से हमको हल करना है, सिर्फ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन का, हमको पता है यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से किसके प्रयोग से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ ज्ञात करने क्या है हमको, क्या हम कल पहले क्या करेंगे, आते जी एक्स को यहाँ मानेंगे और पी एक्स को यहाँ मानेंगे, है ना, जी एक्स को यहाँ मानेंगे और पी एक्स को यहाँ मानेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 32 को हम पहाड़ा पढ़ते हैं 19 दफ़े में, ये हमारा 608 आ जाता है, आप लगा के देख लीजिएगा, 19 दफे में लगाइए तो 608 आएगा। 608 आने के बाद क्या करेंगे, इसको एक हाथ से लेंगे, ये तो 8 बचा, ये 0, ये कैंसिल, ये करेंगे कितना बच गया हमारा 8। अब हमारा एचसीएफ में क्या करना है, हमको आर को 0 करना है, किसी भी हाल में आर को 0 करना है। आप तो यहाँ पे आर 0 हुआ नहीं, तो यहाँ पे पहले कंडीशन लिख देंगे, जैसे पहले लिखते हैं पी एक्स बराबर
जी एक्स प्लस आर एक्स प्लस सॉरी जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, चूंकि यहाँ जो आर एक्स है वो तो जीरो हुआ नहीं, तो नॉट इक्वल टू जीरो। अब फिर क्या करेंगे, जब आर एक्स जीरो हुआ तो आर को क्या मानेंगे हम, जी एक्स मानेंगे, और यहाँ पे जो जी एक्स जो था उसको क्या मानेंगे हम, पी एक्स मानेंगे, जैसा कि पहले ही हल कर चुके। चलिए इसको हम माने जी एक्स, इसको क्या मान लिया हम, पी एक्स। अब यहाँ पे पहाड़ कितना दाग पड़ेगा, चार दाग पड़ेगा तो बत्तीस आ जाएगा, लीजिए बत्तीस आ गया। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल, मतलब हमें आर एक्स जीरो हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सॉरी जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, चूँकि यहाँ पे आर एक्स तो जीरो हो गया ना मेरा, तो आर एक्स बराबर जीरो, इसीलिए मेरा एच सी एफ कितना आ गया, एच सी एफ बराबर कितना आठ। अब ये जो निकला तो ये क्या निकला, ये जो हमको निकला स्तंभों में मार्च करने की उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकला, कितना मार्च करने की स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना निकला यहाँ पे आठ। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की, तो क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव जो है सेम रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर दो के रिलेटेड है, तो आप जो क्या कीजिएगा कि दो जो क्वेश्चन हम बताए हैं सेम उसी के प्रोसेस से फोर और फाइव बनेगा, तो आप ट्राई कीजिएगा फोर और फाइव बनाने का। अगर नहीं बनता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जवाब पूछिए, हम उसका भी दोनों का सलूशन लेके आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मेरे वीडियो को लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो जो अपलोड करें तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।